नमस्कार साथियों, कश्मीर में पुलवामा में हमारे 40 से 50 जवान शहीद हो गए हमारे देश के लिए, उनके लिए हाथ जोड़कर मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये आखिरी तक सुनिएगा। हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए और परिवार के आगे की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उससे पहले एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ सिर्फ अपने बारे में। आज से 8 साल पहले मैं एयरपोर्ट से अपने घर जा रहा था और मेरी 4-व्हीलर कहीं पे सर्विसिंग में गई हुई थी। मैंने अपने एक स्टाफ को बुलाया, वो स्टाफ मुझे अपनी 2-व्हीलर पर लेकर आ रहा। आधे रास्ते में ब्रेकर से एक काली गाय रोड पर आ गई, वो नहीं दिखी। रात का समय था, जो मेरा ड्राइवर मेरा स्टाफ है वो गाड़ी सीधा उसने उस गाय को मार दी। मैं ऊपर से फेंकाया, मैं गिरा, मेरे हाथ में एक ब्रीफकेस था, ब्रीफकेस गिरा, उसके ऊपर मैं गिरा और ऐसे रगड़ाते हुए जा रहा था। मुझसे लगभग 10 से 15 इंच दूर से ट्रक निकल गई। दोस्तों, आपके सामने मैं सही सलामत हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अदरवाइज अगर हाथ ऐसा होता तो हाथ चला जाता और हो सकता है कि मैं ही चला जाता। लेकिन जैसे मैं वहां से उठा, घर पहुंचा, तो मुझे एकदम अंधकार लगने लगा। मुझे लगा कि आज अगर मैं गुजर गया होता तो मेरा तो जो होता, लेकिन मेरे परिवार वालों का क्या होता। जो भी मैंने आज तक काम किया, और कई सारे इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोग नहीं बताते हैं। मैंने सोचा कि जो मेरी बेटी हुई है वो बेटी का क्या होता, मेरी वाइफ का क्या होता, मम्मी पापा का मैंने बहुत सारा चीज सोचा हुआ था, कुछ काम किया हुआ था, उसके बारे में मैं किसी को जानकारी नहीं दे पाया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे सारे इंफॉर्मेशन वो जो कि सेंसिटिव हो बिल्कुल शेयर करने चाहिए। तो दोस्तों, आज से ये आदत बनाते हैं कि इन्फॉर्मेशन अपने वाइफ और अपने प्रियजनों के साथ में वो सारे या तो तुरंत शेयर कर दिए जाएं या फिर उसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। इसके लिए मैं तैयारी बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके ट्रस्टेड व्यक्ति कौन है, जो कि अगर कोई लीगल मैटर आता है या लॉ से रिलेटेड मैटर आता है जहां पर आपको बचाने की जरूरत है या फिर कुछ भी असुविधा आ जाए तो उस समय वो व्यक्ति हेल्प करेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला लीगल मैटर के कंसल्टेंट कौन होंगे इस बारे में पहले से पता रहना चाहिए, कौन ट्रस्टेड है कौन नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई परेशानी आ जाए तो उस परेशानी में कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे परेशानी में ट्रस्टेड हैं, और हमें अपने पत्नी को, अपनी माता जी को बताकर रखना चाहिए कि अगर कोई परेशानी आए एक्स प्रकार का तो राम को बताइए, वाई प्रकार का है तो श्याम को बताइए, जेड प्रकार का है तो रहमान को बताइए, वो जरूर हेल्प करने वाला है। मेरा उनके साथ में कैसा टर्म्स है, मुझे अपनी माताजी और पत्नी को जरूर बताना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, हमको विल जरूर बनाना चाहिए। ये विल क्या होता है, हमारी वसीयत होती है, वसीयत हमारे पास बिल्कुल होना चाहिए। हम भले थोड़ी सी प्रॉपर्टी हो, थोड़े से लाइफ इंश्योरेंस हमने किए हो, थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो, जो भी हो, हमको अपना विल जरूर बनाना चाहिए। विल बनाकर सही जगह पर विल को रखिए। विल रखने के बाद में वो जो एडवोकेट है, वो एडवोकेट का नाम और उनके साथ में कॉन्टैक्ट जरूर करवा दीजिए, जो आप चाहते हैं कि असुविधा होने पर उनके साथ में संपर्क करें, उस विल को लेकर उसको एनफोर्स करें, उसको लागू करें और विल में जो जो चीजें हैं उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करा पाए। चौथी बात, आपने कहां से कितना कब लोन लिया है और लोन के बैलेंसेस क्या क्या हैं, क्या किसी लोन के अगेंस्ट में कोई गिरवी रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लिख कर रखिएगा, समय समय पर अपडेट करिएगा, जरूर बताइएगा। आपने अगर कोई इंश्योरेंस या कोई पॉलिसी ली है तो वो पॉलिसी के बारे में संपूर्ण जानकारी जरूर बताइएगा। कोई डायरी रखिए, उसमें जरूर लिखिएगा, समय पर बताइएगा कि कहां पर कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपने लॉकर लिया नहीं है, हो सके तो ले लीजिए, जॉइंट नेम में पॉसिबल है तो जॉइंट नेम में ले लीजिए, ताकि कोई भी कभी भी एक्सेस कर पाए दोनों में से, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूं। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर रख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति सुविधा असुविधा में वहां पर जा सकता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप अपने बच्चों और बाकी लोगों को उसमें नॉमिनी अगर रखे हुए हैं तो घर का और बाकी अपने मोबाइल नंबर्स के अलावा घर के नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, ताकि इमरजेंसी में केवल कॉन्टैक्ट करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को वहां से फोन आ सके। अदरवाइज आपका लॉकर आपके साथ चला जाएगा, वो किसी के काम नहीं आ पाएगा। दोस्तों, हम बैंक
अकाउंट काफी सारे खोल कर रखते हैं, तो जितने भी बैंक अकाउंट है उसके नेट बैंकिंग के पासवर्ड कहीं ना कहीं आप बीच बीच में चेंज करते होंगे या फिर रखते होंगे। अपनी पत्नी और माता जी का मेल आईडी बनाकर उनमें शेयर कर दीजिए, या फिर कोई ज्वाइंट ग्रुप रख लीजिए जिनको आप चाहते हैं कि असुविधा के समय वो चीजों को एक्सेस कर पाए, तो वो ग्रुप बना लीजिए, उसमें इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, उनको बोलिए कि जब भी परेशानी हो तो उस ग्रुप में जाए और ग्रुप के थ्रू आगे पहुंचे और यूज करें। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि मैक्सिमम चीज आजकल ऑनलाइन हो गई है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड से कनेक्ट रहता है बहुत सारी चीज। ओटीपी ईमेल में भी कई बार आता है, बहुत सारे कंफर्मेशन मेल आते हैं उस मेल के थ्रू कंफर्मेशन करना पड़ता है, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड भी जरूर आप शेयर करते रहिएगा, काम आ जाएगा मुसीबत के समय में। याद रखिएगा करोड़ों रुपए की बात बता दोस्तों। जैसे मैंने बोला कि डायरी होनी चाहिए, तो उसमें कहां कहां पे कौन कौन से बैंक में आपने अकाउंट खोल के रखा हुआ है वो सारे इंफॉर्मेशन लिखिए, अकाउंट नंबर लिखिए, उसके अगर पासवर्ड पॉसिबल है तो वो लिखिए, नहीं तो फिर कम से कम अकाउंट के डिटेल और उसका जिस डेट में आपने ये इंफॉर्मेशन डाली उस डेट में लगभग बैलेंसेस क्या थे वो उसमें जरूर लिख के रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन काम आएगा। और एक और चीज बता दूं, मैं जब भी ट्रैवल पे निकलता हूं तो मैंने फॉर्मेट बना रखा हुआ है, उस पे मैं फिगर और अप्रॉक्स सारी इंफॉर्मेशन भर के, ताकि कहीं कुछ हो जाए गॉड फॉरबिड तो उस केस में वो काम आ जाए। हमारे घर में पता रहना चाहिए कि हमारे पास किस समय क्या है, ट्रैवल करते समय जरूर इंफॉर्मेशन शेयर कर लिया कीजिए, बहुत काम आएगा। आजकल आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है उसके बाद बहुत सारे ट्रांजेक्शन वैलिडेट होते हैं, कहीं पर कोई असुविधा हो जाए या फिर फोन में कुछ दिक्कत आ जाए तो उस केस में आप ना पहुंच पाए तो वो ओटीपी मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, आप एक ब्लैंक लेटर लिख कर रखिए, ताकि अगर सिम कार्ड फिर से लेना पड़े सेम नंबर का तो वो आपके घर में आपके ट्रस्टेड वन जरूर ले पाए। तो लिख कर साइन कर दीजिए और केवाईसी जो आपकी है मतलब आधार पैन फोटोग्राफ ये सारे पे क्रॉस सिग्नेचर करके घर पे छोड़ दीजिए, कि किसी भी समय अगर फोन टूट जाता है घूम जाता है नया सिम की जरूरत पड़ी और कोई अकाउंट बैंक अकाउंट या किसी भी चीज में जो कि फोन से कनेक्टेड हो एक्सेस करना है तो फिर कम से कम हम उसको डालकर उस पासवर्ड को डालकर उस ओटीपी को डालकर हम काम कर पाए नया सिम लेकर। तो ये नया सिम लेने के लिए आप ये जरूर लेटर बनाकर घर पे रखिए, बहुत काम आने वाला है। एक और ऐसी चीज जो आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैं आप बता दूं, एक बार की बात है आप करके रखेंगे तो अच्छा लगेगा, जितने भी बैंक अकाउंट है वो हर बैंक अकाउंट से बैंक स्टेटमेंट लेने का रिक्वेस्ट लेटर एक बार फॉर्मेट में बना दीजिए, साइन कर दीजिए, बस अकाउंट नंबर और बैंक का डिटेल डालना रहेगा, जितने बैंक हैं उतने प्रिंट निकालकर उसमें साइन करके रख दीजिए। आप देखेंगे कि जब भी असुविधा होगी आप घर में फोन करेंगे अपनी वाइफ को कि आप ये खाते को बैलेंस निकाल लीजिए, तो बैलेंस निकाल कर उससे अगर कुछ जरूरत होगी तो वो आगे निर्णय ले पाएंगे। हम अलग अलग काम के लिए अलग अलग वेंडर अलग अलग लोगों को ट्रस्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए कोई व्यक्ति होगा, अगर पटवारी से कोई काम कराना है तो उसके लिए व्यक्ति होगा, अगर जमीन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन कराना है तो उसके लिए व्यक्ति होगा, अगर नगर निगम में कोई काम कराना है तो उसके लिए व्यक्ति होगा। ऐसे स्पेशल इन्फॉर्मेशन जिसको आप ही हैंडल करते रहे जरूर कहीं पर लिख कर रखिए और बताइए कि कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो मैंने इस जगह पर मेंशन किया हुआ है, आप जाकर खुद जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अपने कंप्लीट इन्वेस्टमेंट की लिस्ट जरूर बनाइए, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी अटेस्ट करिए, उसको प्रॉपर जगह पे रखिए और इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। मैं आपको बता दूं सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को स्कैन जरूर कर लीजिएगा अपने मेल आईडी से, अपने वाइफ की माता जी की जहां जहां पे आपको डालने की जरूरत है वहां पे जरूर डालिए और उससे रिलेटेड नॉमिनेशन जरूर भर लीजिएगा। क्या आपका जीवन अनमोल है? अगर हाँ तो इन्वेस्टमेंट के अलावा टर्म प्लान जरूर करवाइएगा, मैक्सिमम अमाउंट का करिए। इन्वेस्टमेंट तो आप काफी सारे तरीके से कर सकते हैं लेकिन इंश्योरेंस में टर्म प्लान बेस्ट प्लान होता है, ताकि सिर्फ और सिर्फ लाइफ का कवर हो और मैक्सिमम पैसे मिले अगर कुछ हो जाता है तो, एक्सीडेंट होता है तब भी बड़े पैसे मिले और अगर गुजर गए तो कम से कम हमारे परिवार को पैसे मिलने चाहिए। आप सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरा रिक्वेस्ट भी है समाज हित में, पर्सनल हित में, परिवार हित में। अगर आपको लगा कि मैं थोड़ा भी आपके काम आया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है, लाइक शेयर अपने ग्रुप्स में और कॉन्टैक्ट्स में करिएगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।